नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। टाटा ग्रुप 72,000 युवाओं को देगा रोजगार, इंद्र चंद्रशेखरन। वैश्विक स्तर पर तेजी से बदलाव हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस दौर में भारत का ग्रोथ रेट और तेजी से बढ़ेगा। भारत विश्व ग्रुप बनने की राह पर है। जियो पोलिटिकल परिस्थिति ऐसी बन रही है जिसमें ग्रीन एनर्जी, सेमी कंडक्टर चिप, टेलीकॉम, डिफेंस से लेकर कई अन्य क्षेत्र ऐसे होंगे जिसमें विश्व के कई देशों की भारत पर निर्भरता रहेगी। उक्त बातें टाटा सन्स के चेयरमैन इंद्र चंद्रशेखरन ने कही है। वे शनिवार को जमशेदपुर में XLRI के 68वें दीक्षांत समारोह के दौरान बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। इंद्र चंद्रशेखरन ने कहा है कि टाटा ग्रुप गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के 91,000 करोड़ की लागत से प्रस्तावित चिप विनिर्माण संयंत्र और असम में 27,000 करोड़ की लागत से चिप असेंबली लगा रहा है। आने वाले सालों में इस संयंत्रों से लगभग 72,000 रोजगार पैदा होगा। इतना ही नहीं, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सेमीकंडक्टर संयंत्र धीरे धीरे चिप की आपूर्ति करके चरणबद्ध तरीके से सभी क्षेत्रों को सेवा देंगे। होलिका दहन 24 मार्च को, 26 मार्च को मनेगी होली। लोग होली के रंग में पूरी तरह से डूब चुके हैं। होली का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बता दें, होलिका दहन 24 मार्च को यानी आज होगा। होलिका की तैयारी को शनिवार को अंतिम रूप दिया गया। होली 26 मार्च को है। इधर शनिवार को भी विभिन्न संगठनों द्वारा अलग अलग स्थानों पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बता दें, बोकारो विधायक विनंची नारायण के आवास सहित बोकारो चास में दर्जनों स्थानों पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सभी ने एक दूसरों को रंग गुलाल लगाकर होली मनाया। श्री राम मंदिर के ज्योतिषाचार्य पंडित रवि कुमार शास्त्री ने शनिवार को बताया कि 24 मार्च को रात्रि 10:28 के बाद भद्रा उपरांत व पूर्णिमा तिथि में होलिका दहन होगा। वहीं 25 मार्च सोमवार को पूर्णिमा सुबह 11:30 तक है और 26 मार्च मंगलवार को चैत्र कृष्ण प्रतिपदा तिथि में होली मनाया जाएगा। ईडी की कार्रवाई से देश में आपातकाल जैसा हालात, जेएमएम। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, तानाशाही की स्थिति बनी हुई है, इससे लोग परेशान हैं। चुनाव में जनता केंद्र सरकार को जवाब देगी। झामो कार्यालय में दोनों नेता संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कांग्रेस के बंधु तिर्की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बंधु तिर्की लोहरदगा से गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार भी होंगे। श्री भट्टाचार्य ने उन्हें झामो का पट्टा पहनाकर कहा है कि परिवार में इनका स्वागत है। कल्पना सोरेन ने केजरीवाल की पत्नी से की बात, बोली पूरा झारखंड खड़ा है साथ। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता से फोन पर बात की। इस बात की जानकारी कल्पना ने खुद सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने कहा है कि संकट की इस घड़ी में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पूरा झारखंड केजरीवाल जी के साथ खड़ा है। बता दें कि कल्पना सोरेन अपने पति हेमंत सोरेन का एक्स हैंडल इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने लिखा, अभी अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी से बात कर उन्हें साहस देने का प्रयास किया। एक साथी के रूप में मैं उनकी परेशानियों को समझ सकती हूँ। उन्होंने आगे लिखा, लोकप्रिय निर्वाचित मुख्यमंत्रियों की गैरकानूनी ढंग से गिरफ्तारी, और वह अभी तब जब देश में आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा हो गई हो। एक लोकतांत्रिक देश के लिए यह सामान्य घटना नहीं है। संकट की इस घड़ी में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पूरा झारखंड केजरीवाल जी के साथ खड़ा है। इंडिया झुकेगा नहीं। रांची में दिनदहाड़े गढ़वा के कुख्यात अपराधी छोटू की गोली मारकर हत्या। राजधानी रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में शनिवार को दिनदहाड़े कुख्यात अपराधी छोटू रंगसाज की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह गढ़वा में आतंक का पर्याय था। इसके खिलाफ कई मामले भी दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि वह अपनी पत्नी के साथ बाजार करने आया था। इसी दौरान उसे अपराधियों ने गोली मार दी है। इस वारदात में वह घायल हो गया था। उसे आनंद फानंद में रिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। बता दें, रांची की उर्दू लाइब्रेरी के पास जिस युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसका नाम छोटू रंगसाज है। होली में माहौल बिगाड़ने वालों की खैर नहीं, धनबाद प्रशासन। होली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर धनबाद जिला प्रशासन सख्त है। किसी भी इलाके में माहौल न बिगड़े, इसके लिए खास प्लानिंग और तैयारी की गई है। जिले और पुलिस प्रशासन ने एक ज्वाइंट ऑर्डर भी जारी किया है।
इस ऑर्डर के मुताबिक माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें जिले के 45 थाना व ओपी को संवेदनशील क्षेत्र में रखा गया है, साथ ही साथ जिलों को 7 जोन में बांटा भी गया है। हर जोन में कई वरीय पुलिस अधिकारियों समेत थाना प्रभारी भी हैं। इसके अलावा जिले में नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है जो इस दौरान पूरा सक्रिय रहेगा। नियंत्रण कक्ष में वरीय पुलिस अधिकारियों के अलावा कई दंडाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। किसानों को समय पर नहीं मिल पाए खेती के उपकरण। राज्य के किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषि उपकरण बैंक योजना चलाई जा रही है। हालांकि 3-4 वर्षों से किसानों को इस योजना का लाभ समय से नहीं मिल रहा। चालू वित्तीय वर्ष 23-24 में भी यह योजना फलीभूत नहीं हो पाई क्योंकि अब तक कृषि उपकरणों के लिए टेंडर ही फाइनल नहीं हो पाया है, जबकि इसका राज्यादेश 7 फरवरी 2024 को ही जारी हो चुका है। इधर लोकसभा चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, ऐसे में यह काम अब अगले वित्तीय वर्ष में ही हो पाएगा। होली पर हवाई सफर का लग रहा 3 गुना अधिक किराया। होली को लेकर ट्रेन और बसों में जगह नहीं है, मजबूरन यात्रियों को विमान का सहारा लेना पड़ रहा है क्योंकि इसके लिए यात्रियों को 3 गुना अधिक राशि खर्च कर यात्रा करनी पड़ रही है। शनिवार को फ्लाइट टिकट की कीमत 16,000 रुपये तक पहुंच गई। वहीं पुणे से रांची आने वाली फ्लाइट का भाड़ा 14,000 रुपये और बेंगलुरु से रांची की फ्लाइट का भाड़ा 10,500 रुपये तक रहा। ऐसे में रांची आने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही है। बता दें दूसरे राज्यों से रांची आने वाली ट्रेन का भी यही हाल है, यात्रियों के पास कोई भी विकल्प नहीं है। दिल्ली से रांची, पुणे से रांची, बेंगलुरु से रांची और चेन्नई से रांची के लिए किसी स्पेशल ट्रेन का परिचालन नहीं किया गया है। दुमका की आदिवासी छात्रा ने जीता विजन रिज 2024 का खिताब। अमेरिका लाइफ इंश्योरेंस इमर्जिंग विजन रिज अवार्ड 2024 की विजेता चुनी गई दुमका के शास्त्री स्मारक मध्य विद्यालय की 8वीं कक्षा की आदिवासी छात्रा खुशबू मरांडी अब अमेरिका एक सेमिनार में हिस्सा लेने जाएगी। शुक्रवार को गुड़गांव में संपन्न फाइनल राउंड में खुशबू ने सफलता हासिल कर 50,000 रुपये नकद और गोल्ड मेडल हासिल किया है। खुशबू के अलावा एक अन्य छात्रों ने भी बाजी मारी है, उसे भी 50,000 रुपये नकद और गोल्ड मेडल देकर पुरस्कृत किया गया। बता दें शास्त्री स्मारक मध्य विद्यालय की प्राचार्या गायत्री राय ने खुशबू की सफलता पर प्रसन्नता जताते हुए कहा है कि यह दुमका समेत झारखंड के लिए हर्ष का दिन है। 11वीं सिविल सर्विस परीक्षा जेपीएससी ने जारी की आंसर की। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 17 मार्च को हुई 11वीं सिविल सर्विस परीक्षा का आंसर की जारी कर दिया है। अभ्यर्थी अपने सेट का आंसर की जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर देख सकते हैं। बता दें अभ्यर्थी अपने मॉडल उत्तर के विरुद्ध अपनी आपत्तियां या सुझाव 24 से लेकर 30 मार्च तक शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करवाने के लिए आयोग की वेबसाइट, ईमेल आईडी, फोन नंबर, कैंडिडेट आईडी, पासवर्ड डालकर विषय के अनुसार प्रश्न के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति जताने का सोर्स भी बताना अनिवार्य होगा। बिहार में इंटर का रिजल्ट जारी, 87.21% परीक्षार्थी सफल। बिहार में शनिवार को इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट पर छात्र छात्राएं अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जारी रिजल्ट के अनुसार पिछली बार की तरह ही इस बार भी लड़कों की अपेक्षा लड़कियां का पास होने का प्रतिशत अधिक रहा। पूरे राज्य में टॉप करने वाले छात्रों में विज्ञान संकाय में सिवान के मृत्युंजय कुमार को 96.2% अंक मिले हैं। वहीं आर्ट्स में तुषार कुमार को 482 अंक मिले। कॉमर्स में शेखपुरा की प्रिया कुमारी ने 478 अंक हासिल किए हैं। वहीं बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर ने रिजल्ट जारी करते हुए कहा है कि इस बार का रिजल्ट पिछली बार की तुलना में अच्छा हुआ है। आर्ट्स में 86.15% स्टूडेंट सफल हुए। वहीं वाणिज्य में 94.88% परीक्षार्थी ने बाजी मारी है। आरपीएफ बैरक के पास कंस्ट्रक्शन साइट पर फायरिंग से दहशत। रेलवे स्टेशन के समीप आरपीएफ बैरक से मात्र 50 फीट की दूरी पर शनिवार को अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग की है। बता दें कि जिस जगह घटना को अंजाम दिया गया वहां धनबाद के रंग बहादुर कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा नाली निर्माण व मिट्टी लेवलिंग का काम किया जा रहा है। कंपनी के सुपरवाइजर सुनील सिन्हा ने बताया है कि पिछले 5 महीने से काम चल रहा है। आज तक किसी के द्वारा कोई धमकी या लेवी की मांग नहीं की गई। मजदूर प्रदीप कुमार और संजीत कुमार यादव ने बताया कि नाली निर्माण और मिट्टी लेवलिंग का काम चल रहा था। इसी बीच रेलवे कॉलोनी की ओर से लाल रंग की एक बाइक पर सवार 4 लोग आए, काम के बारे में पूछताछ करने लगे। 5-10 मिनट बाद हवाई फायरिंग करते हुए उसी रास्ते से भाग गए।
पाकुड़ जेल की सुरक्षा बढ़ाए। उपायुक्त पाकुड़ के डीसी मृत्युंजय कुमार वर्णवाल की अध्यक्षता में शनिवार को कारा सुरक्षा समिति की बैठक हुई। डीसी ने जेल की सुरक्षा, कैदियों बंदियों की सुविधाएं, स्वास्थ्य परिजनों से मुलाकात, सीसीटीवी कैमरा सहित अन्य बिंदुओं पर समीक्षा की है। भोजन, पानी, शौचालय व साफ सफाई आदि के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कारा अधिकारियों को जेल की सुरक्षा बढ़ाने, कैदियों बंदियों को जेल मैनुअल के तहत स्वच्छ, ताज़ा व गुणवत्तापूर्ण भोजन देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को जेल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को हमेशा क्रियाशील रखने, बंदियों के लिए जेल में उनके परिजनों द्वारा भेजी जाने वाली खाद्य व अन्य सामग्री की सीसीटीवी कैमरा के सामने कड़ाई से जाँच के बाद ही अंदर जाने की हिदायत दी है। होली में मिलावटी खाद्य पदार्थ, रांची के कई होटल हुए फेल। होली पर्व के मद्देनजर रांची में मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। मिलावटी खाद्य पदार्थ के खिलाफ पिछले 3 दिनों से शहरी क्षेत्र में जांच अभियान चलाया जा रहा है, जो होली तक जारी रहेगा। बता दें, अनुमंडल पदाधिकारी रांची उत्कर्ष कुमार के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के नेतृत्व में संबंधित थाना क्षेत्र के सहयोग से टीम ने दिनांक 20, 21 और 22 मार्च 2024 को शहर के विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट एवं मिठाई दुकानों में निरीक्षण कर सैंपल जांच की। टीम ने मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के साथ 3 दिनों में विभिन्न मिठाई दुकानों, रेस्टोरेंट आदि में कुल 168 फूड सैंपल की जांच की है, जिसमें जाँच में फेल 13 प्रतिष्ठानों को नोटिस दी गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। लोकसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्ण, स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त संपन्न कराने के लिए सभी जिलों के जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन आपसी समन्वय से कार्य योजना तैयार कर काम करें। आपसी समन्वय बनाकर और समयबद्ध तरीके से काम करेंगे तो बेहतर परिणाम आएंगे। उक्त बातें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कही है। वह शनिवार को पलामू के प्रमंडलीय मुख्यालय स्थित समाहरणालय सभागार में पलामू लोकसभा क्षेत्र के पलामू, गढ़वा, लातेहार एवं चतरा जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी, एसपी सहित अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ लोकसभा निर्वाचन की तैयारी की समीक्षा कर रहे थे। होली पर किसी हालात में न बिगड़े विधि व्यवस्था, रांची उपायुक्त। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने होली के अवसर पर विधि व्यवस्था को लेकर आदेश दिया है। इस वर्ष होली 24 से 25 मार्च 2024 को मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि होली पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, किंतु यह भी आवश्यक है कि जो व्यक्ति होली खेलना नहीं चाहे उसके साथ होली नहीं खेली जाए। खासकर महिलाओं के साथ उक्त अवसर पर अभद्रता नहीं होनी चाहिए। होली के अवसर पर हुंडदगइयों, आपसी झगड़ों और नशापान कर गाड़ी चलाने वाले चालकों पर कड़ी निगरानी संबंधित थाना प्रभारी, यातायात पुलिस पदाधिकारी के द्वारा रखी जाए, ताकि किसी अप्रिय दुर्घटना से बचा जा सके एवं परिशांति बनी रहे। नियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। उपायुक्त ने आदेश दिया है कि किसी भी हालात में आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो, इसका अधिकारी ध्यान रखें। झामुमो पलामू के अध्यक्ष ने कल्पना सोरेन से की मुलाकात। झामुमो पलामू के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिन्हा ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने कल्पना सोरेन को बताया है कि पलामू के सभी नेता, कार्यकर्ता और पलामू की जनता आपके संघर्ष में आपके साथ खड़ी है। सिर्फ पलामू ही नहीं, पूरा झारखंड चाहता है कि इस संकट की घड़ी में आप हम सबों का नेतृत्व करें। राजेंद्र सिन्हा ने बताया कि कल्पना सोरेन से मुलाकात बहुत ही सकारात्मक रही। हम सब चाहते हैं कि वो हमारा नेतृत्व करे। हम सबों ने उन्हें पलामू आने का न्योता भी दिया, जिसे उन्होंने संघर्ष स्वीकार भी किया। कल्पना सोरेन बहुत ही पढ़ी लिखी महिला है। उनके नेतृत्व से पार्टी के हौसले बहुत बुलंद होंगे। आज समय की मांग भी है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा आए। एक नारी शक्ति समाज को बेहतर दिशा दे सकती है। जल्द ही पलामू में कल्पना सोरेन आ सकती है, इससे झामो कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह है। सभी संस्थानों के कर्मियों का नाम वोटर लिस्ट में होना अनिवार्य, धनबाद उपायुक्त। धनबाद के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय में वोटर अवेयरनेस फोरम की बैठक हुई। डीसी ने सभी सरकारी व निजी संस्थानों के कार्यालय प्रधानों से कहा है कि संस्थान के सभी कर्मियों का नाम मतदाता सूची में शामिल करना सुनिश्चित करें। यदि किसी कर्मी का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो 27 अप्रैल तक वे अपना नाम दर्ज करवा लें। साथ ही वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी अपना नाम मतदाता सूची में चेक करें। उन्होंने कहा है कि शहरी क्षेत्र के सभी सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों में वोटर अवेयरनेस फोरम का गठन किया जाना है। वोटर अवेयरनेस फोरम के अध्यक्ष संस्था के हेड होंगे।
इसके साथ ही सभी बैंक, कोचिंग सेंटर, सरकारी कार्यालय व प्रतिष्ठान, गैर सरकारी संगठन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियों में वोटर अवेयरनेस फोरम का गठन करने का निर्देश दिया है। जान देंगे पर फायरिंग रेंज के लिए जमीन नहीं देंगे। केंद्रीय जनसंघर्ष समिति लातेहार व गुमला द्वारा टुटुआ पानी में 2 दिवसीय नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज रद्द करने का संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इसका समापन 23 मार्च को हुआ। संकल्प सभा का संचालन सचिव जेरोम जेराल्ड कुजूर व अनिल मनोहर ने किया। कार्यक्रम में जान देंगे जमीन नहीं, जल जंगल जमीन हमारा है जैसे नारे लगाए गए। मौके पर आदिवासी एकता पर चर्चा की गई। जेरोम जेराल्ड ने बताया है कि 23 मार्च 1994 की तोपाभ्यास के लिए आई सेना की गाड़ियों के सामने हमारे समाज के लोग उठ खड़े हुए थे, जल जंगल जमीन और आदिवासी अस्तित्व की रक्षा करने का संकल्प लिया। शिक्षा विभाग के कर्मी को एसीबी ने घूस लेते किया गिरफ्तार। शिक्षा विभाग के कर्मी को एसीबी ने घूस लेते गिरफ्तार किया है। शनिवार को हजारीबाग एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग के बीआरपी सचिदानंद सिंह को 8,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बता दें, सचिदानंद सिंह नव सृजित प्राथमिक विद्यालय सोखा की सहायक शिक्षिका सचिव रीता कुमारी से घूस ले रहे थे। एसीबी हजारीबाग की टीम ने सचिदानंद सिंह को हंटरगंज से गिरफ्तार किया है। 1 करोड़ के इनामी नक्सली पति राम मांझी के गांव पहुंचे आईजी, डीआईजी और एसपी। नक्सलियों के गढ़ में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने को लेकर पुलिस प्रशासन अपनी तैयारी में जुट गई है। इसी क्रम में बोकारो जोनल आईजी माइकल राज एस, हजारीबाग रेंज के डीआईजी सुनील भास्कर और गिरिडीह एसपी दीपक शर्मा ने शुक्रवार को नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पड़ने वाले बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने मधुबन में सीआरपीएफ और जैप के कैंप भी गए। इसके बाद पुलिस अधिकारी, केंद्रीय कमेटी के मेंबर और 1 करोड़ इनामी नक्सली पतिराम मांझी के गांव जाकर बूथ का निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से बात की और बिना किसी डर भय के वोट देने के लिए उनका मनोबल बढ़ाया। पुलिस बहाली की तैयारी कर रहे युवक को कार ने मारा धक्का, मौत। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के भड़गावा पंचायत के डुमरी निवासी शंभुराम के पुत्र प्रिंस कुमार 19 वर्षीय की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। हादसे के बारे में मृतक के पिता ने बताया है कि प्रिंस चैनपुर हाई स्कूल में इंटर का छात्र था और वह पुलिस भर्ती के लिए तैयारी में लगा था। गाँव के ही 4-5 दोस्त के साथ प्रतिदिन सुबह में दौड़ने जाता था। जानकारी के अनुसार प्रिंस शनिवार की सुबह 5:30 बजे दोस्तों के साथ दौड़ने के लिए टेमराई नवाडीह रोड पर गया था। दौड़कर वापस आते समय टेमराई मोड़ के पास नवाडीह की तरफ से आ रही तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर गाड़ी ने पीछे से धक्का मार दिया। कार के धक्के से प्रिंस उछलकर काफी दूर जा गिरा। मित्रों ने तुरंत मोबाइल से घटना की जानकारी परिजनों व ग्रामीणों को दी। ग्रामीण प्रिंस कुमार को लेकर MACH पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जयपुर की केमिकल फैक्ट्री में 6 लोग जिंदा जले। राजस्थान के जयपुर के पास बस्सी की केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 घायल को SMS अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान SMS अस्पताल के वर्न वार्ड में मनोहर की मौत हो गई। मौके पर दमकल की गाड़ियों की मदद से 1 घंटे की मकसद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। घटना शनिवार शाम करीब 6:30 बजे की है। यह आग बॉयलर फटने के कारण यह हादसा हुआ। घटना की सूचना पर बस्सी थाना पुलिस और जयपुर से 9 दमकल की गाड़ियों मौके पर पहुंची। कड़ी मकसद के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। होली बाद हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी फाइल करेगी चार्जशीट। झारखंड के बड़गाई अंचल के 8.46 एकड़ जमीन घोटाले में जेल में बंद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की जाँच जारी है। ईडी जाँच पूरी करते हुए होली बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी। ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को देर रात गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के 60 दिनों के अंदर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य है। हेमंत सोरेन 53 दिनों से जेल में हैं। इनके हिसाब से ईडी के पास चार्जशीट दाखिल करने के लिए 7 दिन शेष बचे हैं। फॉर्मेट जारी नहीं होने से अतिथि शिक्षकों में आक्रोश। रांची विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों ने राज्य सरकार के संकल्प संख्या 1755 के तहत अपनी मांगे पूरी करने के लिए शनिवार को कुलपति का घेराव किया। इनकी मांग 57,700 वाले फॉर्मेट को लेकर थी। रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीते माह 1 फरवरी को अतिथि शिक्षकों को 57,700 देने की सूचना जारी की थी, लेकिन इससे संबंधित फॉर्मेट अभी तक जारी नहीं किया गया। इसको लेकर अतिथि शिक्षकों में आक्रोश है।
फॉर्मेट नहीं होने के कारण ये शिक्षक अपने मानदेय के लिए बिल नहीं बना पा रहे। वहीं दूसरी ओर रांची विश्वविद्यालय ने आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति के लिए एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें अतिथि शिक्षकों को भी फॉर्मेट भरने के लिए कहा जा रहा है, जिसका अतिथि शिक्षक विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूले। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।